इन्हें फॉलो किया है। बात करेंगे सबसे पहले प्रधानमंत्री के फ्रांस और यूएई के दौरे की और साथ ही बिहार में भाजपा कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज की खबर पर भी चर्चा होगी और साथ ही बात करेंगे मौसम की, देश भर में हो रही बारिश की, खासतौर पर जानेंगे दिल्ली के हाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस की दो दिवसीय यात्रा पर पेरिस पहुंच चुके हैं, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। पीएम के स्वागत के लिए रेड कारपेट भी बिछाया गया था। फ्रांसीसी प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बॉर्न ने पीएम मोदी की हवाई अड्डे पर अगवानी की। फ्रांस की दो दिवसीय यात्रा पर पेरिस पहुंचे पीएम मोदी का होटल पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। प्रवासी भारतीयों ने गर्मजोशी के साथ पीएम मोदी की अगवानी की। राजस्थान के रहने वाले लोग ढोल और पारंपरिक वेशभूषा में नजर आए। कई वर्षों ने फ्रांस में रह रहे अन्य भारतीय प्रधानमंत्री से मिलकर उत्साहित भी नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस पहुंच चुके हैं और यहाँ पर जिस होटल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुके हैं उसके बाहर काफी ज्यादा भीड़ उनके आगमन के पहले ही यहाँ पर जमा हो गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी इत्मीनान से यहाँ पर लोगों से मिले, हमने देखा काफी समय उन्होंने बिताया, सबका अभिवादन स्वीकार किया है। यहाँ पर बहुत गर्मजोशी से यहाँ जो भारतवंशी है उन्होंने स्वागत किया है। कैसा अनुभव है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? ओवर एक्साइटेड, इतना उत्साह है हम लोगों में, हम इसका 2 महीने से वेट कर रहे थे, तो वी आर एक्सट्रीमली हैप्पी टू वेलकम हिम टू पेरिस। प्रधानमंत्री पिछली बार आए थे तब भी हमने यहीं स्वागत किया था और इस बार फिर स्वागत कर रहे हैं और सेन म्यूजिक हॉल में हम उनके लिए परफॉर्म करने जा रहे हैं और हमारे साथ बेगम बतूल जी भी हैं, राष्ट्रपति अवार्डेड, और हमने उनके लिए गाना भी बनाया है। आज आप कम्युनिटी इवेंट में परफॉर्म करेंगे? जी हाँ, हम लोग सभी बसंत ग्रुप के कलाकार कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। कितने दिनों से प्रैक्टिस चल रही है आपकी? ये तो करीब 1 महीना हो गया हमें प्रैक्टिस करने के लिए और कुछ नई नई चीजें बना रहे हैं हम लोग, उनके लिए गीत भी बनाया हमने। मोदी जी को आज देख लिया हमने, एक ड्रीम कम ट्रू है हमारे लिए, तो बहुत अच्छा लगा। आप बहुत भावुक हो गई थी प्रधानमंत्री? मैं बिल्कुल ओवरवेल्म्ड थी फॉर श्योर, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम था और ये मेरा ड्रीम था, लाइक ड्रीम कम ट्रू, क्योंकि उनके साथ मिलने का एक ये था और मैंने जो 2 लाइन उनके लिए बनाया था, मेरा सपना था कि मैं उनके सामने ये 2 लाइन प्रस्तुत करूं और भाग्यवश मुझे उनके सामने ये गाना गाने का मौका मिला। आई वाज रियली हैप्पी टू मीट मोदी एंड आई एम रियली proud of what he's doing with his relationship between France and be happy to meet him again. It was a really nice experience. मैं पहली नारी हूँ, भारतीय नारी फ्रॉम फ्रांस टू गेट द प्रवासी भारतीय सम्मान 2019 में, तो 40 साल हो गए मैं यहाँ फ्रांस में रह रही हूँ और डांस का इंस्टीट्यूट है। जी मैं ढोल बजा रहा था और मोदी जी मेरे पास आए और बहुत अप्रिशिएट किया उन्होंने कि अच्छा लगा आप पगड़ी में देख के राजस्थान की, मेरे को बहुत अच्छा लगा, पहली बार मेरे को बहुत खुशी हुई। तो देखिए एक तरीके से फ्रांस में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गर्मजोशी से भारतवंशियों ने स्वागत किया है, ये सिर्फ एक झलक है। इसके बाद जो कम्युनिटी इवेंट होने वाला है वो भी इतना ही ग्रैंड होने वाला है और काफी भारी संख्या में भारतवंशी और फ्रेंच नेशनल्स भी उस कम्युनिटी इवेंट का हिस्सा होंगे। कैमरा पर्सन कुमार दत्ता के साथ में मेघना देव, डीडी न्यूज पेरिस। और इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गई हैं हमारी संवाददाता मेघना देव। मेघना से बात करते हैं। मेघना, अभी हमने देखा कि लोग बेहद खुश हैं, भारतीय वंश के जितने भी लोग हैं सब बेहद खुश हैं। प्रधानमंत्री के इस दौरे से लोगों को मिलकर बेहद खुशी का एहसास हुआ। अगर हम इस पूरे दौरे की बात करें तो कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आप इस दौरे को? यहाँ पर बजाए जा रहे थे स्वागत, और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत इत्मीनान से लोगों का आभार स्वीकार किया और लोगों से मिले जुले में नजर आए, लोगों ने उनसे बातचीत तक की, तो हमने दिखाया आपको, लोगों ने बातचीत की,
की जिन लोगों ने उनका स्वागत किया, काफी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद थे। उसके साथ अब उनकी कम्युनिटी इवेंट भी होना है, काफी लोग कम्युनिटी इवेंट के लिए जाते हैं, काफी लोग अभी भी यहाँ पर, आप अगर विजुअल को देखेंगे अभी भी काफी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने आए थे और अभी तक यहीं पर मौजूद है। अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है यहाँ और उसके साथ ही हम जानते हैं जिसको फॉलो के तौर पर आए हैं राष्ट्रपति के जो सेलिब्रेशन है उसमें शामिल होने के लिए परेड को देखेंगे राष्ट्रपति मैक्रॉन के साथ सौ समिति पर। सबसे अहम बात यहाँ पर यह है कि जिस तरीके से स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप मेघना, अगर बात करें रक्षा सौदों की तो रक्षा सौदों पर भी बातचीत करने की उम्मीद नजर आ रही है। अगर हम इसके अलावा कुछ और मुद्दों पर बात करें तो फ्रांस और भारत के बीच किन मुद्दों पर बातचीत हो सकती है और ये जो एग्रीमेंट होने हैं इन दोनों के बीच दोनों देशों को कितना इससे लाभ हो सकता है? सबसे अहम बात है व्यापार को और ज्यादा ट्रेड को और ज्यादा बढ़ाने के लिए काफी ज्यादा जोर दोनों ही तरफ से नजर आने वाला है। जब सीईओ फोरम तो मेघना बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बहुत खुश लोग नजर आए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे और उनसे बातचीत की। फिलहाल